की तरफ से ऐलान किया गया है 2 साल से ऊपर के बच्चों की वैक्सीन जल्द अवेलेबल होगी। वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को दी गई है मंजूरी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का यह बयान, उन्होंने कहा है कि 2 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक की तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी जल्द वैक्सीन उपलब्ध होगी। 2 ट्रायल हो चुके हैं और अच्छे रिजल्ट आने के बाद अब तीसरे ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि तीसरे ट्रायल को 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होगी। जनक दवे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी एक बड़ी चिंता थी, अभी हाल ही में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आई है, लेकिन अब 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी जल्द वैक्सीन का ये बयान कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण जनक? काफी मायने रखता है। देखिए, चूंकि अब तीसरी लहर की जो आशंकाएं हैं और जिस तरीके के बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे थे उनके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं बाजार में। जो जाइडस की जाइकोवडी आई है वो भी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, इसमें छोटे बच्चों के लिए क्या, तो ये एक बड़ी बात थी। तो उसको लेकर आज कोवैक्सीन की जब पहली बैच गुजरात में आज जो रिलीज की, उसी समय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, तीसरे ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को ही ये मंजूरी दी गई है और 2 के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में जल्द उम्मीद की जा सकती है कि 2 से 12 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन बाजार में जल्द उपलब्ध होगी। जनक, अमूमन कितना वक्त लगता है तीसरे ट्रायल में? 2 ट्रायल हो चुके हैं, तीसरे ट्रायल में कितना वक्त लगता है और कब तक ये उपलब्ध होगी? देखिए, वैक्सीन के अनुमान अलग अलग तौर पे हैं, कितने जो सैंपल साइज होती है वो किस तरीके से ली जाती है। अगर हम आप देखें तो वैक्सीन बनाने का जो समय रहा वो तकरीबन 8 से 10 महीने में, पिछले साल जो कोरोना का समय शुरू हुआ उसके बाद से जितनी भी वैक्सीन आई है वैक्सीन का समय 5 से लेकर 10 महीने के भीतर अंतराल में अलग अलग ट्रायल के बाद वैक्सीन बाजारों में उपलब्ध कराई गई है। तो अब इसकी जो रिसर्च प्रक्रिया है और जनक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन आई है और जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो 12 ईयर से एबो लोगों को लगेंगे। भारत बायोटेक को रिसर्च की परमिशन दी गई है और ये रिसर्च का एनालिसिस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, वो 2 ईयर्स एबो के सभी बच्चों को लगेगी। उसके लिए उन्होंने 3rd ट्रायल की परमिशन दे दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों की भी वैक्सीन इंडिया में ही रिसर्च हो और इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग हो। कोवैक्सीन ने अपना सारा डाटा WHO में सबमिट कर दिया है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के साथ मेरी व्यक्तिगत मीटिंग हुई है और हम अब उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने में उसको परमिशन मिल जाए। वो पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला है, इसके लिए हम सब गुजरातियों को और देश को गौरव महसूस हो रहे हैं और भाविन। तो ये मनसुख मांडविया को हालांकि पैरालंपिक्स में भाविना के मेडल का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरीके से 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जाइकोव डी को इमरजेंसी यूज की परमिशन मिल चुकी है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, लेकिन अब 2 साल के से ऊपर बच्चों के लिए भी जल्द अवेलेबल होगी वैक्सीन भारत बायोटेक की, जिसको ट्रायल की मंजूरी दी गई है। लेकिन जनक, मनसुख मांडविया जो सितंबर का जिक्र कर रहे हैं वो क्या परमिशन को लेकर कह रहे हैं या फिर इमरजेंसी यूज को सितंबर के महीने में ट्रायल के बाद मंजूरी मिल सकती है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया? देखिए, भारत बायोटेक के जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस का सवाल था और वो जिस तरीके से WHO की अप्रूवल नहीं थी उसकी बात थी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उसका वो जवाब दे रहे थे। लेकिन जहां तक बच्चों की वैक्सीन का सवाल है, उन्होंने कहा कि रिसर्च पूरी तरह से हो चुका है और जो नतीजे आ रहे हैं बेहद अच्छे नतीजे हैं और उसके आधार पर उसका जो सैंपल साइज है और जो एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है, जो ट्रायल रन होता है, वो अभी तीसरे ट्रायल का चल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बहुत ही जल्द एक से डेढ़ महीने के अंतराल में भारत बायोटेक की ओर से 2 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीन उस बाजारों में उपलब्ध हो सकती है। हालांकि इसका इमरजेंसी यूज सर्टिफिकेशन जो होता है वो देना होगा, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो भी उसके बाद होगी। लेकिन अभी का मामला यही है कि
तीसरा ट्रायल वो भी 2 से 12 साल के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनका जिक्र ज्यादा, चूंकि अब तीसरी लहर में बच्चों पर इसकी आशंका बताई जा रही, तो ऐसे में ये एक उपलब्धि बड़ी तौर पे देखी जा रही है कि 2 से 12 साल के बच्चे की वैक्सीन भी बाजार में उपलब्ध होती है। शुक्रिया जनक ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच आइए आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ बोल रहे हैं। दरअसल राम कथा रामायण, मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही, बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ना योध्या तम बिना योध्या सा योध्या यत्र राघवा, अर्थात राम के बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहाँ राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता है, इसलिए इस नगरी का अयोध्या नाम सर्वथा सार्थक रहेगा। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं। यह उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय संस्कृति के आदर्शों में रची बसी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन आप सबको निरंतर प्राप्त होता रहता है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष आयोजित रामायण कॉन्क्लेव अत्यंत सफल रहा। यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में किया जा रहा है। रामायण का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है कि उसमें निहित जीवन मूल्य मानवता के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहे। रामायण में दर्शन के साथ साथ आचार संहिता भी उपलब्ध है, आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। तो रामायण कॉन्क्लेव का रामकथा पार्क में उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और कहा कि बिना राम के अयोध्या की कल्पना नहीं हो सकती। और आइए बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक को पिकअप वैन से बांधकर घसीटने का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोप यह है कि आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने सरेआम पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में 8 आरोपियों की पहचान का दावा किया गया है, जिनमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं जिस पिकअप वैन से युवक को बांधकर घसीटा गया उसे भी जब्त कर लिया गया है। हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट और अन्य धाराएं भी उसमें लगाई गई है। अभी वर्तमान में विवेचना के दौरान जो करीब 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 4 को राउंड अप कर लिया गया है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त की गई पिकअप को भी जब्त किया गया है। इसमें एक सरपंच पति भी है महेंद्र गुर्जर करके, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है और बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। देखो, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार मॉब लिंचिंग चल रही है उसका हम सब लोग विरोध करते हैं और आज राजभवन का घेराव कर रहे हैं। और राजभवन का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इंसानियत के ऊपर जो लगातार कत्ल चल रहा है, इंदौर के अंदर जिस तरह चूड़ी वाले के साथ हुआ, आज नीमच के अंदर कन्हैया भील की हत्या हुई, ये तमाम घटनाएं उसका स्वरूप है कि जिस तरह से मंत्रियों के बयानबाजी है। मध्य प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन गया है, यहाँ अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधियों का पुलिस का प्रशासन का कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश में तालिबानी संस्कृति को अपनाया जा रहा है और इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा, आइए अब वो आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो पर बवाल हो रहा है, हैवानियत की हद को पार कर रहे हैं ये वायरल वीडियो। खास तौर पर वो वीडियो जो कि नीमच से आया है, नीमच में एक शख्स है जो कि आदिवासी है जिसको पिकअप वाहन में बांधा जाता है और उसके बाद उसे घसीटा जाता है, उसके बाद उसकी मौत होती है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। तो ये वीडियो आपने देखे हो, आपत्तिजनक है और इसीलिए कार्रवाई की गई है। इस तरह से किसी भी घटना को कहीं भी ना संरक्षण दिया जाएगा ना उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी और ऐसी जो भी घटना हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कार्रवाई की गई है। सर, एक सवाल है सर आपकी पुलिस को लेकर कि गुरुवार की घटना है, शनिवार को वीडियो वायरल हुआ तब जाके पुलिस एक्टिव हुई। देखिए, दो बातें हैं कि जैसा ही संज्ञान आया है और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की गई है। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई बदसलूकी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और लिखा, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी वर्ग के कन्हैयालाल भील की मामूली बात पर की गई पिटाई और फिर उसे गाड़ी में बांधकर घसीटने से हुई मौत दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग की यह घटना अति निंदनीय, सरकार दोषियों को सख्त सजा दे, बीएसपी की ये मांग। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एक शख्स से बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है। आरोप ये है कि कुछ लोगों ने दुकान के काम से निकले एक शख्स का सामान फेंक दिया, उससे जबरन जय श्री राम के नारे भी लगवाए। तो ये एक वीडियो उज्जैन का बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने दुकान के काम से निकले इस शख्स की जो तस्वीरों में दिख रहा है, दावा यह कि इस शख्स का सामान फेंक दिया गया और इससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। हमारे गांव में किसको इजाजत नहीं, तूने गांव में कुछ नहीं, बोल जय श्री राम, जय श्री राम, बोल जय श्री राम, जय श्री राम, बोलने में क्या है, बोलने नहीं, नहीं बोले, गांव में कहीं है, चलो ठीक है, ठीक है, बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बस ठीक है, खुश हो आप, खुश हूं। उज्जैन में इस शख्स से हुई बदसलूकी का वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया और ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। उज्जैन में हुई बदसलूकी के वीडियो के वायरल होने पर कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने क्या कहा, आप जरा वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक इतनी कुंठित मानसिकता के हो गए कि अपराधियों की भाषा बोल रहे हैं। आज विश्वास सारंग जी ने जिस तरीके का बयान दिया, इनकी मानसिकता किस निचले स्तर पर चली गई है उसका एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज नहीं है, हठ धर्मिता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का सरकार का प्रयास है। मैं मानता हूं सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, संविधान के अनुसार चलाना चाहिए और संविधान की मान्यताओं को जीना चाहिए, नहीं तो देश संकट में। और अब जरा सुनिए उज्जैन के इस वीडियो पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं। मतलब एक वीडियो दूसरा वायरल हुआ जिसमें वीडियो मतलब जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र चला रही है। दोनों घटनाओं को जोड़िए मत, जो आदिवासी घटना वाला मामला है वो अलग है, परंतु जो उज्जैन की घटना, जो इंदौर की घटना और जब अब जय श्री राम के नारे पर किसी मुस्लिम से बात करना, ये क्यों कांग्रेस के ही सोशल मीडिया से सबसे पहले अपलोड होते हैं?
क्यों ये सीरीज चल रही है, दो तीन दिन में ही क्यों हो जाता है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तीन दिन बाद दिग्विजय सिंह के कैसे दूसरा वीडियो वायरल कर देते हैं? तो क्या ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है? क्या ये इटली की सोनिया बहुसंख्यक समाज को बदनाम करना चाहती है, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है? ये एक जांच का विषय है। हमने कार्रवाई की और हम कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। परंतु लगातार ऐसा क्यों वीडियो आ रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास ही सबसे पहले वीडियो क्यों आ जाता है, कांग्रेस का सोशल मीडिया ही सबसे पहले अपलोड क्यों करता है? आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ये सब करा रही है। इतिहास है ये, कांग्रेस वर्ग संघर्ष कराती है, कांग्रेस जाति को जाति से लड़ाती है, कांग्रेस धर्म को धर्म से लड़ाती है, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। यह है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जो कांग्रेस पर उज्जैन में जो जय श्री राम के नारे लगवाए गए, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। मध्य प्रदेश से ही एक और हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो रीवा का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोग एक लड़के की बीच सड़क पर पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 के अर्पित पांडे की खबर है कि अवैध कारोबार में शामिल कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक लड़के को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान आरोपी सड़क पर गिर पड़ा, जबकि एक आदमी बेल्ट से उसकी पिटाई करता दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। और इस बीच अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर मिल रही है, तुलू न्यूज के हवाले से खबर। तुलू न्यूज के पत्रकार ने दावा किया कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी अफगानिस्तान वापस लौट रहे हैं। पत्रकार ने दावा किया है कि तालिबान और दूसरे राजनेताओं के बुलावे पर वो वापस लौट रहे हैं। तो अफगानी राष्ट्रपति वापस लौट रहे हैं और ऐसी जानकारी दी जा रही है कि जो तालिबान नेता हैं और जो दूसरे राजनेता हैं, उनकी तरफ से बुलावा भेजा गया था, उनको बुलाया गया था कि आप वापस लौट आइए। और अब ये जानकारी कि अशरफ गनी वापस लौट रहे हैं अफगानिस्तान। तो पूर्व अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान वापस लौट रहे हैं, और ये तुलू न्यूज के पत्रकार के हवाले से जानकारी दी जा रही है। नेताओं ने अशरफ गनी के वापस लौटने की अपील की थी, जिसके बाद वो लौट रहे हैं। आपको बता दें, इनके भाई पहले ही तालिबान नेताओं का समर्थन कर चुके हैं। और इस सबके बीच अब ये जानकारी कि जब तालिबान नेताओं की तरफ से, दूसरे राजनेताओं की तरफ से अपील की गई, तो अशरफ गनी अफगानिस्तान वापस लौट रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ गनी के अफगानिस्तान लौटने को किस तरीके से देखा जाए अमित? देखिए, तमाम अलग अलग समुदाय जो पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में मौजूद है, चाहे राजनीतिक दल है, चाहे तालिबान है, या फिर विश्व पटल के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं, उनके दबाव की वजह से ही इनके लौटने की संभावना बढ़ी है। इससे पहले जो अशरफ गनी के भाई थे, उन्होंने तालिबान का साथ देने का ऐलान किया था, और इसके बाद अब इनके वापस लौटने की खबर तो इशारा करती है कि कुछ न कुछ कोई बैकडोर चैनल नेगोशिएशन इनका तालिबान के साथ हो चुका है, जिस वजह से वो वापस लौट रहे हैं। अब कब वापस लौट रहे हैं और कितने लोगों के साथ ही वापस लौटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इनकी भूमिका लौटने की परिस्थितियों में क्या होगी, इस पर भी अभी तालिबान ने ना अपना रुख क्लियर किया है, ना वहां पर मौजूद अन्य दलों ने, अलग अलग दलों में जो मौजूद है वहां पर। जी अमित, शुक्रिया। और अब तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि पहले जिस तरीके से तालिबान यही चाहता था कि राष्ट्रपति अशरफ गनी हट जाएं, और अब राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के कहने पर वापस लौट रहे हैं, तो क्या वाकई सब कुछ प्री प्लान था? और आइए बढ़ते आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से ही जुड़ी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर खतरे की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने खतरे को देखते हुए काबुल एयरपोर्ट के आसपास के अपने नागरिकों को एयरपोर्ट इलाके से निकल जाने की अपील की है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शक जाहिर किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों के भीतर एक बार फिर आतंकी हमला हो सकता है। इससे पहले 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 170 से लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 13 अमेरिकी सैनिकों की भी जान चली गई थी। और इस घटना के बाद अमेरिका ने 48 घंटों के अंदर आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया, और आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया।
उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन से बातचीत की है। फोन पर हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले पर भी हुई चर्चा और इस आतंकी हमले में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच यूएन में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखने पर भी चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, ब्लिंकिन और एस जयशंकर ने अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी और रिश्तों को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बने हालात ने आज हर एक देश को अपनी रणनीति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वेड का फॉर्मेशन जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान को मिला जुला कर बना है इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया है इस क्वेड का। साथियों, नए युग में नेशनल सिक्योरिटी के हरेक डायमेंशन को जब तक एक फ्रेम में रखकर नहीं देखा जाता है तब तक इसके खतरे हमारे लिए सदैव बने ही रहेंगे। उधर ब्रिटेन के सैनिक शनिवार को काबुल से विमान से रवाना हो गए। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया है। ब्रिटेन के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में काबुल से 14,500 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे से 1,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में एक बच्चे समेत ब्रिटेन के 3 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच तालिबान की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। तालिबान नेता शेर मोहम्मद ने भारत से अच्छे संबंध बनाने की इच्छा जताई है। शेर मोहम्मद ने 1982 में भारत में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से पढ़ाई की थी। खेलों से जुड़ रहे हैं। जब हमें देश के नौजवानों में हमारी बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है। आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे, अब देश में खेलकूद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिलें। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हाँ, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हकदार है। पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर भाविना पटेल को फोन पर बधाई दी। पीएम ने भाविना से कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। पीएम ने भाविना को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं और इस सबके बीच भावना पटेल से भी उन्होंने फोन पर बात की और उन्हें सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी और साथ ही कहा कि आपने इतिहास रच दिया है भावना। और इस बीच राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर भावना को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और लिखा, भावना पटेल ने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया। आपके असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। इस असाधारण उपलब्धि पर आपको मेरी बधाई। पीएम मोदी ने भावना पटेल को टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी और उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, भावना पटेल ने रचा इतिहास, वो देश के लिए ऐतिहासिक रजत पदक जीती, उन्हें इसके लिए बधाई। उनकी जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली है और ज्यादा युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी भावना पटेल को टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट किया और उनकी तरफ से लिखा गया, भारत की बेटी ने एक बार फिर इतिहास रचा है। पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली भावना पटेल को बहुत बहुत बधाई और विशेषकर राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन मिली इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर भारतीय हर्षित है। भावना, पूरे देश को आप पर गर्व है। अब बड़ी खुशखबरी, मनी कंट्रोल प्रो के ताजा ऑफर के साथ आप प्रो को 365 रुपए प्रति साल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव ऑफर पा सकते हैं। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए, ऑफर जल्द खत्म हो रहा है। और अब सबसे बड़ा ऐलान, सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन में मनी कंट्रोल प्रो पाइए और रोज 50,000 रुपए तक के इनाम और मैकबुक प्रो का मेगा प्राइज जीतने का मौका हासिल कीजिए। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए, ऑफर सीमित।